देखिए, धर्म धर्म एक बहुत बड़ी अफीम है, लेकिन जब पेट की भूख चलती है ना, जब पेट में आग लगती है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम सारे लोगों ने जम के वोट दिया मोदी जी को, हुआ क्या, अब कड़ुआ तेल जो है वो 250 रुपए हो गया है। जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है और जो ज्यादा गहराई में नहीं सोचते हैं, तो उनको एक सॉफ्ट टारगेट गवर्नमेंट का होता है कि धर्म के प्रति थोड़ा सा प्रचार करके इनको अपने साथ जोड़ लो, लेकिन ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है क्योंकि ओवरऑल पब्लिक का माइंड सेट अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, डिफरेंट टाइप भी ये आ जाए ये कह करके सीना ठोक करके कि नहीं हम हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मैं देखूं इनको कितने लोग वोट देते हैं। एक तो जी मैडम, मीडिया का जो बहुत बड़ा इसमें रोल है कि मीडिया ने एक फेस वैल्यू बना रखी है मोदी जी को कि बस यही है कि कैंडिडेट जो सबसे सुपीरियर है। ये क्या है, ये एक समझौता है। आपने कुलदीप सेंगर के केस में उस बच्ची के पूरे परिवार की हत्या हो गई, उसकी माँ की हत्या होती है, उसके फादर की कस्टोडियल डेथ होती है, उसके बावजूद वो लड़ रही है। हर्षित, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक युवाओं की तादाद न सिर्फ के देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तादाद युवाओं की है, क्या है युवाओं का? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा युवा रोजगार चाहता है, बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर, उस हिसाब से जॉब नहीं है। और जैसे गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ आत्मनिर्भर बनिए, तो हर किसी के पास इतना कैपिटल अमाउंट भी नहीं है, उसके बाद रिस्क भी है, ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि अपना आप बिज़नेस करके सेटल हो सकते हैं। तो अगर वो पैसा अगर परिवार से लेके अगर कोई युवा शुरू करता है बिज़नेस और डाउनफॉल आता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपको लगता है कि सरकार ने जितना वादा किया था कि हम इतनी नौकरियां लेकर आएंगे, वो पूरा कर पाए? नहीं कर पाए मैम, ना गवर्नमेंट में कर पाए ना प्राइवेट में कर पाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम है यूपी में। बहुत बड़ा तादाद में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं सपोर्ट करती है, खाली कहती तो है, वादा तो करती है, लेकिन उस हिसाब से जो होना चाहिए, सिंगल विंडो चैनल की बात करते हैं, सिंगल विंडो चैनल कहीं अवेलेबल नहीं है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, कहीं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जबकि आज की डेट में टैक्स पेयर बढ़ गया, जीएसटी पेयर बढ़ गए यहाँ पे, उसके बाद भी नहीं है। तो इसमें बहुत सुधार की जरूरत है गवर्नमेंट को। त्रिपाठी जी, मुझे बताइए, आपके जो कॉमन मैन है यहाँ पर, आप तो वकील हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ऐसे भी लोग जो कॉलेज में हैं, जो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे? इंडस्ट्रीज़ पिछले 30 सालों में इंडस्ट्रीज़ बैठ चुकी, इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात की थी, कोई वो नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। और जब आप ये समझिए, युवा तब डिमोरलाइज होता है जब आप उसको पकौड़ा तलने को रोज़गार कहने लगते हो। अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मुझे ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो आईटी सेक्टर में ही जाता है, लेकिन आपको आईटी सेक्टर के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री लाने की इन्होंने बात की थी। कोई भी इंडस्ट्री बड़ी आती है तो उसमें रोज़गार सृजित होते हैं, और जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है, वो कर सकता है। अब आप ये देखिए, योगी जी के गोरखपुर में वो व्यापारी मनीष गुप्ता को एक्सटॉर्शन रैकेट में वो करके, और पुलिस वाले ही मार रहे हैं। अभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, चूंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ, 4 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑब्जर्वेशन देता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या कहें, ये पूरा का पूरा महकमा नाकारा है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जहाँ पर आप प्रोटेक्शन में खड़े हो। और एक पुरानी कहावत है कि जिस खेत से गोशा को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। मतलब जो आज किसान जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनतकश मजदूर है, अगर उसको खाने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा है? महंगाई भी, इस पे कोई वोट देगा? अब सिर्फ इसी बात पे वोट नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब किसी भी पब्लिक का सिर्फ एक मंदिर के प्रति वोट देने का मतलब वो नहीं है, वो और भी चीज़ों में चाहती है विकास। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाता है कि मंदिर बनाया जाए, या रोज़गार दिया जाए, या महंगाई कम की जाए? नहीं, मुख्यमंत्री तो ओवरऑल सभी टॉपिक्स को देख के किया जाता है कि ओवरऑल विकास होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही चीज़ को लेके फोकस करेंगे तो उससे खाली काम नहीं बनेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या ये हो सकता है कि मंदिर कार्ड एक बार फिर चले? नहीं, ये खाली मंदिर कार्ड ही नहीं, ये समाज को डिवीज़न करने का काम करते हैं। ये शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। यानी साफ तौर पे एक बाजू में समझ में आ रही है कि 2 बड़े मुद्दे समझ में आ रहे हैं अब तक। एक बड़ा मुद्दा महंगाई का है, दूसरा बेरोजगारी का है। आप भी आ जाइए, आपसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका जी? अरुण। अरुण, ये बताइए कि मुझे एक और बात जो बार बार पता चली है, जो उत्तर प्रदेश की यूनिक समस्या है, वो है, मुझे नहीं मालूम आप इस पर बात करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन
एक हाई हैंडेडनेस जिसे कहते हैं कि पुलिस का अत्याचार बहुत है यहाँ पर, लोगों में खौफ इतना है कि यहाँ में इतने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें जिस कोई भी कैमरे पर नहीं आना चाहता। जी ये तो बिल्कुल है कि पुलिस का थोड़ा बहुत आदमी डर तो बना रहता है कि आज आप देख ही रही हैं यूएपीए, आप इस अगर आपने कभी भी खुल के अगर मोदी जी के विरोध में अगर कुछ भी अगर आपने कहा तो एक डर तो बना रहता है कि भाई अगर हम कुछ भी अगर कोई भी बोलेगा तो भाई क्या पता कब कोई पुलिस का दरवाज़ा हमारे खटखटाने लगे। पुलिस तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए है ना जी, लेकिन लग नहीं रहा है कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल आपकी और मेरे पैसे से उनकी तनख्वाह जाती है, सब कुछ हमारे पैसे से मिल रहा है, इवन सारी गवर्नमेंट भी जो भी है वो हमारे पैसे से चल रही है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ये जो गवर्नमेंट है और ये जो इनकी जो सरकार से जो पुलिस है, आप कोई भी फोर्स देख लीजिए, लगभग ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक फेवर में है। आप अगर आप कुछ भी मोदी जी के खिलाफ अगर आप बोल रही हैं तो वो तुरंत ऐसा लगता है कि हमने मोदी जी के खिलाफ, एक्चुअली क्या है कि राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर नहीं कर पा रहे लोग, और राजद्रोह का मतलब ये नहीं होता है कि देशद्रोह है। अगर हमको ये सरकार के मुद्दे अच्छे नहीं लगते हैं, इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं लगती है, तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये सब शुरू से ही हुआ है। क्या कांग्रेसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, जब इमरजेंसी लागू हुई थी लोगों ने उनका भी विरोध किया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इनके जो सबसे बड़े जो आज ये गोडसे के फॉलोवर हैं, ये सावरकर की बात करते हैं, सावरकर ने कहा था कि हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं कि गाय के पैरों पर चले। ठीक है, आप ने गोकशी को रोक करके और जो आवारा पशुओं का जो एक वो है उससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप गोकशी को रोकना चाहते हो फाइन, लेकिन जो रोज गोवंश सड़कों पर मर रहा है जर्जर होकर के, उसको खाने को नहीं है, गायों की स्थितियां आप देखिए, जो गौशालाएं उन्होंने बनाई हैं उसको देखिए क्या स्थितियां हैं, पैथेटिक चीजें हैं। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, जो लोग इतना नहीं पढ़ते लिखते, जो नहीं समझते कि सेक्युलरिज्म क्या होता है या असली हिंदू धर्म क्या है, उनके दिल में तो एक नर्म गोशा पैदा हो गया होगा एकदम। देखिए धर्म एक बहुत बड़ी अफीम है, लेकिन जब पेट की भूख चलती है ना, जब पेट में आग लगती है, आप क्या सोच रही हैं ये कृषि कानून वापस हुए तो ये क्या नॉर्मल तरीके से वापस हो गए? जिस व्यक्ति ने बिना पूछे लाया उसने बिना पूछे खत्म किया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम सारे लोगों ने जम के वोट दिया मोदी जी को, हुआ क्या? अब कड़ुआ तेल जो है वो 250 रुपये हो गया है। आदमी के घर में जब खाने को नहीं रहता तो उसे अपने बच्चे के भविष्य को देखना है, अपने लोगों को खिलाना है, वो क्या करेगा? लेकिन अर्पित आप बता रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सॉफ्ट होना चाहिए, हो जाता है। जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो ज़्यादा गहराई में नहीं सोचते हैं तो उनको एक सॉफ्ट टारगेट गवर्नमेंट का होता है कि धर्म के प्रति थोड़ा सा प्रचार करके इनको अपने साथ जोड़ लो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है क्योंकि ओवरऑल पब्लिक का माइंड सेट अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। एक बात बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा धर्म दूसरे धर्म के लोगों को मारने की वकालत नहीं करता, वो ये कहते हैं कि मेरा धर्म बहुत सहिष्णु है, मेरा धर्म बहुत टॉलरेंट है, तो क्या आपको राहुल गांधी की बात ज़्यादा समझ में आती है या आदित्यनाथ? दोनों का अपना अपना अलग अलग कहना है, उनका अलग टारगेट है पब्लिक को अट्रैक्ट करने का, उनका अलग टारगेट है पब्लिक को अट्रैक्ट करने का। ये आपका धर्म इन दोनों से अलग है? नहीं, धर्म की बात नहीं है, धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म तो आप जिस तरह से धर्म को देखते हैं ना, वो राहुल की नज़र से देखते हैं ना वो योगी की नज़र से। ये लोग समय समय पे अपने बदल देते हैं, स्टेटमेंट्स बदल देते हैं, लेकिन आम इंसान तो एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा है। ये देश हमेशा से मानवीय मूल्यों पर आधारित रहा है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैक्सिमम लोग मानते हैं। मैक्सिमम मानते हैं। ये बताइए कि महंगाई की मार है वो हिंदू पे भी पड़ रही है, मुसलमान पे भी पड़ रही है, सारे लोग सिख पे, ईसाई पे, हाँ, रोजगार इधर भी नहीं मिल रहा है, रोजगार उधर भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े मुद्दों को भुलाकर धर्म के आधार पर कैसे ध्रुवीकरण हो जाता है? नहीं, आप दो चीज में अंतर समझिए, मोदी जी की सरकार आई किस पर? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, लोकपाल पर सरकार बनती है, वो लोकपाल आज तक वो लेकर के नहीं आते। इनके सारे जितने इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सबको आपने करप्ट किया, सब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अभी ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन के लिए इन्होंने कानून बदल दिया, 2 साल से ज़्यादा का भी एक्सटेंशन हो सकता है। आपका सीबीआई का डायरेक्टर एक्सटेंशन पे चल रहा है, आपका ईडी का डायरेक्टर एक्सटेंशन पे चल रहा है, विजिलेंस का डीजी एक्सटेंशन पे चल रहा है। एक्सटेंशन का मतलब रहमो करम। तो जब आप अपनी चीज़ों को छुपाना चाहते हो, अपनी चीज़ों में कहीं गलत हो,
तो आप इस तरह की माहौल तैयार करते हो, लेकिन कभी भी ये आ जाएं ये कह करके सीना ठोक करके कि नहीं हम हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मैं देखूं इनको कितने लोग वोट देते हैं। ये समाज को भरमाते हैं, ये 2 करोड़ नौकरियों को रोजगार का वादा करके आए थे, नौकरियां दी इन्होंने नहीं दी, देता है उनको वोट, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि कुछ भी चीज़ें ऐसे हुई हैं ना। देखिए, आपने रोजगार पे काम किया, ना ही महंगाई को घटाया, ना ही जो ब्लैक मनी की बात हुई थी उसको, उसके लिए भी कोई यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं किया गया है। लेकिन वही है ना कि आप एक एक फेस बना रखा है इन्होंने। एक तो देखिए मैडम, मीडिया का जो बहुत बड़ा इसमें रोल है कि मीडिया ने एक फेस वैल्यू बना रखी है मोदी जी को कि बस यही है कि कैंडिडेट जो सबसे सुपीरियर है। लेकिन ये भी तो बताइए कि लोग कहते हैं, ये कहा ये जाता है कि आपको वो नेता मिलता है जिसको आप डिजर्व करते हैं, और आपको मीडिया भी वही मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं। नहीं मैम, डिजर्व तो यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, दरअसल क्या है, इन्फ्लुएंस होता है आदमी। बेहतर मीडिया चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, बेहतर मीडिया चाहिए। बहुत सारे ऐसे मीडिया के लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, किसी को भी देख लीजिए। हाँ, जैसे मैं खुद दवायर देखता हूँ, मैं बहुत आपको भी देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे मीडियाकर्मी हैं जो मतलब एक बायस्ड नहीं है। आप उनकी अगर पत्रकारिता को देखेंगे तो कभी वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी एक फेस की बात कर रहे हैं। दरअसल अगर गलत है तो गलत बोलना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि 2 अलग अलग मुद्दे हो गए, एक है राम, दूसरा है राशन। क्या उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा, राम या राशन? जी ना तो राम चलेगा ना तो राशन। यहाँ पर यही है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जहाँ तक मेरी राय है। चलेगा प्रशासन, आप प्रशासन कैसे मैनेज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी लड़कियां भी जो बात कर रही थी, जो वुमेन सेफ्टी की वो बात कर रही थी, अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन समझ में आ रहा था साफ तौर पे कि दिन छिपने के बाद बाहर नहीं निकल पाती हैं। ये भी प्रशासनिक मामला है, ये भी पुलिस व्यवस्था, यानी पुलिस को इंतजाम करना चाहिए कि ऐसी लड़कियों को सुरक्षा दे, बजाय इसके कि जो लोग। आप ये सोचिए मैडम, ये वो प्रदेश है जहाँ देखिए बलात्कार की घटना होना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रशासन का उसको लेकर के एटीट्यूड क्या है। स्वामी चिन्मयानंद के समर्थन में पूरी सरकार खड़ी नज़र आती है, और बाद में उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि उसमें आपसी समझौते के आधार पर उस लड़की को पहले फंसाया जाता है ब्लैकमेलिंग में, और उसके बाद वो प्रशासन करता है, और उसके बाद वो मजबूरी में समझौता करती है। तो स्वामी चिन्मयानंद का बरियल, बरियल कह रहा हूँ, मतलब उनको बरी होना, और उसके साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ आती है कि दूसरे पक्ष पर भी जो ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम थे वो हटा लिए गए। ये क्या है, ये एक समझौता है। आपने कुलदीप सेंगर के केस में उस बच्ची के पूरे परिवार की हत्या हो गई, उसकी माँ की हत्या होती है, उसके फादर की कस्टोडियल डेथ होती है, उसके बावजूद वो लड़ रही है। ये इस देश की हमारी महिलाओं का जज्बा है, लेकिन यहाँ स्थितियाँ जो है, आप वकील हैं, आप ये सब देख रहे हैं, आम जनता को कोई फर्क पड़ता है इस बात? एकदम फर्क पड़ता है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर से लोगों से बातचीत करके, हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ा सर्वे हमने किया है जिससे हमें अंदाज़ा हुआ है, लेकिन एक कम तादाद में ही लोगों से बातचीत करके एक बात का अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है कि जो बहुत बड़े मुद्दे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जो हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तबके के लोग और हर क्लास के लोगों के बीच, वो महंगाई का बड़ा मुद्दा है। यानी कि आप कितने भी अमीर हो सकते हैं, फिर भी महंगाई की मार आप पर पड़ रही है, और जो मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, वो महंगाई से बेहद परेशान है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, जिसको लेकर आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि देखिए हमने सब कुछ यहाँ पर फिट कर दिया है। कशिश लखनऊ, अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। यह गाना चंगेज़ी का ये शेर है, और यहीं अमीनाबाद में लखनऊ के हम मौजूद हैं।